सिम्फर एक अलग पहचान देता है धनबाद को, झारखंड को, एक प्रतिष्ठित संस्था जहां देश भर से वैज्ञानिक खनिज संपदाओं से परिपूर्ण इस राज्य के लिए भविष्य का खाका खींचते हैं। और सिर्फ इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सिम्फर का बेहद महत्व है, जो अपना 75वां स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही सिम्फर की उपलब्धियों के बारे में भी। जी अभिषेक। जी दीपक, तैयारी काफी मुकम्मल है और ये ऐतिहासिक मौका है। पहले तो आपको सीधे सिम्फर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये सिम्फर की मुख्य बिल्डिंग है जो सामने आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ जो भी कार्यक्रम है वो बिल्कुल ऑनलाइन कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम में दिल्ली से जो है केंद्रीय विज्ञान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी जुड़ेंगे, और उनके साथ नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय सासवत जी जुड़ेंगे, और तमाम वैज्ञानिक थोड़ी देर पहले, अभी जो ये कुर्सियां नजर आ रही है, इस कुर्सी पर तमाम जो वैज्ञानिक है, 37 इस लैब से जुड़े हुए शाखा है, वो वैज्ञानिक जुड़ेंगे, और कई कंपनियों के हेड जो है शामिल हो रहे हैं, NIT IIT के जो सदस्य वो शामिल हो रहे हैं, और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगी, उससे पहले जो है तैयारी हो रही है। लेकिन इस कार्यक्रम के और क्या क्या कुछ होना है, पूरे बातचीत करने के लिए धनबाद सिम्फर के वरिष्ठ वैज्ञानिक है और सह जनसंपर्क पदाधिकारी भी है डॉक्टर सिद्धार्थ जी, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो ये बड़ा अवसर है, 75 साल प्लेटिनम जुबली आप लोग मना रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है और कितने बजे केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे? जी, तैयारी हम लोग की बहुत अच्छी है। हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, उनका जो कार्यक्रम मिला है हम लोग को, तो 1 बजे से मिला है, तो एक घंटा का समय उन्होंने दिया है अपने कीमती समय में से निकाल के, तो वो 1 से 2 रहेंगे हम लोग के साथ वेब के थ्रू। अच्छा, नीति आयोग के सदस्य का व्याख्यान भी होना है? जी, नीति आयोग के सदस्य श्री सारस्वत जी का व्याख्यान भी होना है, तो उनका व्याख्यान का जो विषय है वो है स्थिरता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, तो बहुत ही जीवंत और ससामयिक जो विषय है, और हम लोग के लिए, हम लोग को लगता है कि बहुत ही मोटिवेशनल होगा। साथ पे है कि कई संस्थान के प्रमुख आ रहे हैं, इसके बाद IIT NIT के प्रमुख आ रहे हैं, और 3 बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो रहा है, वो इसके बारे में बताएं। हम लोगों ने लगभग जितने भी IIT NIT और सभी के प्रमुख मंत्रालय में DGMS ISM सब को इनवाइट किया है, जो आ सके फिजिकली ठीक है, अदरवाइज वेब के थ्रू लोग ज्वाइन करेंगे, और इस अवसर पे माननीय मंत्री जी 3 हमारे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, उनका प्रोजेक्ट है और एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो है उद्घाटन करेंगे, तो उसमें एक है स्ट्रेटेजिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी देना, तो वो उसका उद्घाटन करेंगे। ये जो सेंटर होगा, इसका काम होगा जो हमारे डिफेंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, इनको जहाँ पे रॉक एक्सकवेशन या रॉक क्वालिटी या रॉक प्रॉपर्टीज के एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इस सेंटर की स्थापना हो रही है। दूसरा जो जी दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिथेनॉल इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट का मेजर थ्रस्ट है मिथेनॉल इकोनॉमी पे है, बिकॉज इससे जो है CO2 उत्सर्जन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत लो होता है, तो इस मिथेनॉल इकोनॉमी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए पायलट प्लांट लगाएंगे हम लोग, उसका एक ये है। तो देखिए दीपक, एक बड़ी बात आपको बताया कि सिम्फर की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, यानी आजादी से 1 साल पहले जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, और उसके बाद जब 52 में जब इसकी शुभारंभ हुई विधिवत रूप से, तो पूर्व राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू आए थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे, और उस वक्त के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे, मैंने सीवी रमन साहब, भटनागर साहब, भावा जी, सभी लोग आए थे, और समझ सकते हैं कि ये धनबाद उस वक्त का गवाह रहा है। अभी मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे वीडियो क्लिप चल रही है, और उसमें तमाम वो मेमोरीज को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कोयला क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षित ब्लास्टिंग का मामला हो, कोयला खनन को लेकर डीप माइनिंग की मामला हो, तो बिल्कुल अभिषेक, तो थोड़ा वक्त और है, और सिम्फर के वैज्ञानिकों पर ये दबाव होगा कि 75 सालों में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, जो
जन सेवा की है, जो देश सेवा की है, उसमें और कैसे नई नई उपलब्धियों को जोड़ा जाए, हमारी नजर बनी रहेगी। महत्वपूर्ण चर्चा होगी इस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर, तो हमारी नजर उस पर भी बनी रहेगी और दर्शकों तक पहुंचाएंगे सिम्फर आगे की क्या योजना बना रहा है। फिलहाल अभिषेक, धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए।